चित्तौड़गढ़ नगर परिषद के सभापति संदीप शर्मा का एक विवादास्पद वीडियो हाल ही में सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वे एक 25 साल की महिला के साथ अश्लील हरकतें करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में शर्मा महिला को मंगलसूत्र पहनाते और सिंदूर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो विवाह का प्रतीक माना जाता है। एक अन्य क्लिप में वे महिला के साथ शराब पीते हुए उसे अपनी बात मानने के लिए मजबूर करते हैं, जबकि महिला उनके प्रस्ताव का विरोध कर रही है। यह स्थिति उनके खिलाफ गंभीर आरोपों को जन्म देती है। वीडियो सामने आने के बाद चित्तौड़गढ़ में राजनीतिक और सामाजिक हलचल तेज हो गई है। स्थानीय नागरिकों में इस घटना को लेकर तीव्र गुस्सा देखने को मिल रहा है और कई लोग संदीप शर्मा को तत्काल उनके पद से हटाने की मांग कर रहे हैं, जैसा कि पहले मेवाराम जैन और तथ्य खाओ पठान के मामले में हुआ था। बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है, जिसमें छोटे नेता भी इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। संदीप शर्मा ने अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, जिससे उनकी चुप्पी इस विवाद को और भी अधिक बढ़ा रही है। चित्तौड़गढ़ की जनता अब यह देख रही है कि क्या उन्हें सजा मिलेगी या वे अपनी राजनीतिक गति बचाने में सफल होंगे। इस मामले ने न केवल राजनीतिक में बल्कि समाज में भी चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है और सभी की नजरें अब इस मामले के विकास पर जुड़ी है। इस खबर को लेकर अपडेट्स जारी रहेंगी, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।